बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो हम देखेंगे हाउ वी कैन यूज़ H5P टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट। आपको मालूम है कि कोविड के बाद और वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद पिछले ये 2-3 सालों से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी बूम पर है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ योर लर्निंग कंटेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप अपना PDF अपलोड कर दें या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड कर दें। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हाउ यू कैन मेक योर कंटेंट इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पॉपुलर ऑप्शन इन ओपन सोर्स, स्पेशली ओपन सोर्स की तरफ मैं इसलिए जाता हूँ कि इट इज़ फ्री एंड इट हैज़ नो लाइसेंस कॉस्ट। सो डेफिनेटली जब आप बड़े स्केल की बात करते हैं, स्केलेबल टू लाइक मिलियंस की बात करते हैं और एजुकेशन फॉर एवरीवन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज़ फॉर ओपन एजुकेशन, फ्री एजुकेशन विद दिस फिलॉसफी के तालीम जो है वो सबके लिए है। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सो गूगल के ऊपर अगर हम सर्च करें H5P, तो H5P स्टैंड्स फॉर HTML5 पैकेज। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम देखें, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इट इज़ सेइंग कि H5P इज़ अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क है विच इज़ बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। H5P इज़ एन एब्रिवेशन ऑफ HTML5 पैकेज एंड इट एम्स टू मेक ईजी फॉर एवरीवन टू क्रिएट शेयर एंड रीयूज इंटरैक्टिव HTML5 कंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ फॉर एजुकेशन स्पेशली। अगर H5P की वेबसाइट पे हम जाते हैं, सो लेट अस गिव यू क्विक ओवरव्यू। यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर आप बहुत सारे बेशुमार मौजूद हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज़ अर्थमेटिक क्विज। अगर हम अर्थमेटिक क्विज को ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी फुली X API कवरेज भी अवेलेबल है, सो यू कैन इंटीग्रेट इट विद लर्निंग एनालिटिक्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि मूडल, कैनवस, ब्लैकबोर्ड, वर्डप्रेस, सो यू कैन इंटीग्रेट विद एनी ऑफ देम। Even you can embed it, you can reuse it. So this HTML5 does not require any kind of special installation. अब इसके अंदर देखें, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग लाइक अ गेम। सो इट इज़ अ गेमिफिकेशन पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट। तो आप मैथ्स के जो है वो ये बना बनाया हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑल्सो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ग्रेड हो रही होती हैं। ये एग्जांपल थी आपकी अर्थमेटिक क्विज की। और अगर मैं किसी और एग्जांपल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस सी द इंटरैक्टिव वीडियो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई लाइक द मोस्ट। अब इंटरैक्टिव वीडियो में ये है बेसिकली कि इत बैकग्राउंड के ऊपर एक वीडियो है, बिकॉज एवरीवन लाइक नोस के वीडियो लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होती है इन लर्निंग। लेकिन वीडियो को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इंटरेक्टिव वीडियो का ये प्लगइन है, आप कह लें H5P का, जो एक लेयर है जो वीडियो के ऊपर ऐड हो जाएगी। अब बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो आपकी स्टैंड अलोन वीडियो भी हो सकती है, YouTube की वीडियो भी हो सकती है, और उसके ऊपर लेयरिंग करके आप जो है वो मुख्तलिफ पॉज क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड अप कर सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस की बेसिस पे MCQs ऐड कर सकते हैं जो कि आप वीडियो के दौरान एसेस कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू, जैसा ये एक वीडियो है, अब ये वीडियो प्ले हो रही है और इसी वीडियो के अंदर अब रेसिपी आ रही है, दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और उसी वीडियो के अंदर अब ये प्रिपेयरिंग हो के, अब देखें मल्टीपल चॉइस क्विज है, इफ़ आई क्लिक ऑन इट सो इट इज़ आस्किंग मी कि अभी मैंने क्या डाला है। इफ आई से स्ट्रॉबेरी, गुड, मुझे बता दिया इसने कि मैंने एक आंसर टिक दिया। इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि हाईलाइट द इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन एडेड सो फार, सो आई कैन से स्ट्रॉबेरीज, मिल्क, ब्लूबेरीज। सो मिल्क ऐड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई मुझे -1 मिला है। सो इट इज़ आस्किंग मी कि मैं दोबारा इंटरव्यू देखना चाहता हूँ, मैं दोबारा देख के जो है वो। सो दिस इज़ हाउ एक इंटरेक्टिविटी इंगेजमेंट बढ़ाई जा रही है स्टूडेंट के लिए, कि आप वीडियो को बार बार देखें, गौर से देखें और वो रेलिवेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये था क्विक इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिटेल से देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन H5P विद इन द मूडल और यूजिंग H5P, और उसको आप रीयूज़ किस तरह कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से।
सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.